अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सो ये हमारे अंगूर विद सीड्स हैं जो कि फ्रेशली जो है वो उतारे गए हैं, और आज हम इनसे जो है वो जैम बनाएंगे, ग्रेप जैम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो है ये ग्रेप्स हैं, अब हम इनको जो है वो पानी में सोक करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर। ये ऑलमोस्ट 2.5 kg हमारे पास जो है वो ग्रेप्स हैं, और इनको हम पानी में सोक करेंगे अराउंड 10-15 मिनट्स विथ 3 tablespoons ऑफ विनेगर। हमने ग्रेप्स को जो है वो सोक कर दिया है, और अब हम इसमें जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच जो है वो हम इसमें सिरका डाल देंगे, और 1.5 चम्मच हम इसमें सिरका डाल देंगे, और हम इसको जो है वो इस दफ़ा स्टर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए फॉर 10-15 मिनट्स, और फिर उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। चलिए वेट करते हैं फॉर 15 मिनट्स। स्टर जो है वो दफा का पानी निकाल रहे हैं, और फिर हमारे ग्रेप्स जो हैं वो बिल्कुल साफ हो गए। अब हम इनको जो है वो बॉईल करने के लिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ क्लियर हो गए हैं। अब हम इनको जो है वो बॉईल करने के लिए रखेंगे, तो आगे आपको दिखाते हैं। फिर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पर्पल कलर आ गया, और हमारे जो ग्रेप्स थे वो सॉफ्ट होके ऊपर आ गए हैं, फोम भी आ गया है। हमने इसे ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स जो है वो लो हीट पे जो है वो सिमर होने के लिए रख दिया था, और बीच में हमने मैशर लेके और उससे भी उसको अच्छी तरह मैश कर लिया था। अब हम इसको 5-10 मिनट्स और होने देंगे, और उसके बाद फिर हम जूस अलग कर लेंगे और पल्प अलग कर लेंगे, और फिर पल्प में से और मैश करके पल्प को, और फिर विदाउट सीड्स जो पल्प है वो अलग कर लेंगे। फिर हम इसको दोबारा कुकिंग के लिए रखेंगे। ये हमने जूस जो है वो सेपरेट कर लिया है, और ये हमारा जो है वो पल्प है। अब हम इसको भी मैशर से जो है वो प्रेस करेंगे, ताकि इसमें से जितना पल्प हम निकाल सकें वो हम निकाल लें, और फिर हम उसको जो है वो जूस में ऐड कर देंगे, और फिर उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे, अगर आप पास हैं तो आप हाई हीट पे कर लें, अगर आप दूर हैं तो आप लो फ्लेम पे करें, लेकिन इसको वैसे छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बॉयल होके सारा बाहर गिर जाएगा। तो हम पल्प को प्रेस करके और उसमें से जितना पल्प निकल जाता है इस जो ग्रेप्स का, तो हम वो भी जूस में ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। एज़ यू कैन सी, ये हमारा जो है वो बाकी ग्रेप्स में से मिक्सचर निकला है, और अब हम इसको जो है वो इस जूस के अंदर ऐड कर देते हैं, और फिर हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। इस वक्त मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, हाई नहीं है, मीडियम है, और आप देख सकते हैं कि पहले ये यहाँ तक था, अब ये श्रिंक होके इतना हो गया है। अभी हमने इसको और पकाना है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो, या एक बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए इसकी। फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, और फिर हम इसे और पकाने के लिए रखेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा कलर है, इसके ऊपर फोम भी आ रहा है। आपने इस फोम को हटाना नहीं है, आप इसके साथ ही इसको पकाइए। और ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड चाय का कप होता है वो ऑलमोस्ट मेरे पास 16 कप्स होंगे इसके अंदर, तो मैं उसका हाफ, क्योंकि ये ग्रेप्स जो हैं ये सीड्स के साथ हैं, ये थोड़े टैंगी से होते हैं, इसमें बहुत मिठास नहीं होती है, तो हम इसमें पहले हाफ जो है, देखिए हमारे पास 16 कप्स हैं, तो हम 16 कप्स में जो है वो ऑलमोस्ट 7 कप्स आप डाल दीजिए, 6 कप्स आप, ये स्टैंडर्ड साइज़ है मेरे पास कप, आप ये चीनी इसके अंदर डाल दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 कप्स हैं तो मैं हाफ डाल दूंगी, 8,
ये हमने जो है वो इसके अंदर चीनी डाल दी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि शुगर जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, और हम इसको जो है वो कुक होने देंगे थोड़ी जो है वो थिक कंसिस्टेंसी होने तक। तो चलिए अब इसको हम कुक करते हैं और वेट करते हैं कि जब तक थिक कंसिस्टेंसी में आए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसे आपने ठंडी प्लेट लेना है, उस ठंडी प्लेट के ऊपर जो है उस जैम को डालना है, और फिर आपने देखना है कि वो कहीं रन तो नहीं कर रहा। आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में रह रहा है। अब आपने जो है वो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जैम जो है वो कितना रह गया है कुक होके, बिल्कुल थोड़ी कंसिस्टेंसी में रह गया। अब थिक ये देखिए, थिक ये देखिए। अब आप इनको बॉटल्स में डाल लें, ये सब जेली सॉर्ट ऑफ जैम बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जैम नहीं बनेगा। आप इसे फ्रिज में रखें और उसके बाद आप इसको आराम से यूज़ करें। अब मैं इनको बॉटल्स में ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 1/4 बॉटल्स जो हैं वो जैम की तैयार हो गई हैं, ग्रेप जैम्स की। और ये आप देख सकते हैं मैंने फ्रिज में रख दिया था। आप चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, पर प्रेफरेबल ये है कि आप इसको फ्रिज में रखें। ये आप देख सकते हैं जैम, ये जेली जैम बना है, काफी थिक है, और हम इसको आपको ब्रेड पे लगा के दिखाते हैं। आप लोग इसे फ्रिज में रखें, और अब जब आपने यूज़ करना हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए, यूज़ करने से थोड़ी देर पहले जो है वो बाहर निकाल लें। बहुत रिच है माशाल्लाह से, बनाइए, बहुत इजी है। थोड़ा थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अब मेहनत तो करनी पड़ती है आपको। ये आपका जैम हो गया, आप इसे खाइए, और ये बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को दें, हेल्दी है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और इंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। आप लोग जो है इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये बना के। आप लोग चाहें तो आप लोग नॉर्मल ग्रेप्स भी ले सकते हैं, अगर किसी के घर में ही, जैसा हमारे यहाँ पे घर में ही थे तो मैंने वही यूज़ किए, क्योंकि ग्रेप्स जो है वो वैसे नॉर्मल इतने ज़्यादा, अगर ये ब्लैक ग्रेप्स हैं तो ये इतने ज़्यादा नॉर्मली खाए नहीं जाते ऐसे। तो जैम जो है वो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है, और ये आप इसे फ्रिज में रख दें तो ये आप काफ़ी महीने आराम से निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकॉन के साथ, और अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिएगा, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कुछ और सीखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी इसमें। अल्लाह हाफिज़।